दृष्टि आईएएस के डेली करंट न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। डेली करंट न्यूज में चर्चा का विषय है भारतीय नौसेना का ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। भारतीय नौसेना ने राष्ट्रीय मिशन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को गति प्रदान करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 शुरू किया है। इस मिशन के तहत तरल ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों को युद्ध पोतों से लाया जाएगा ताकि कोरोना महामारी से देश की लड़ाई में सहायता की जा सके। इसके तहत आईएनएस कोलकाता और तलवार के द्वारा मनामा बंदरगाह बहरीन से 40 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन मुंबई लाई जाएगी। बैंकॉक के लिए आईएनएस जलाश्व और सिंगापुर के लिए आईएनएस एरावत भी इसी मिशन पर हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष नौसेना ने वंदे भारत मिशन के तहत 5 मई 2020 को ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 के तहत कोरोना महामारी के दौरान मालदीव, श्रीलंका और ईरान में फंसे और संकट ग्रस्त 4,000 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया गया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 में भारतीय नौसेना के जहाज जलाश्व, लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक एरावत, शार्दुल तथा मगर, लैंडिंग शिप टैंक्स ने हिस्सा लिया था। यह ऑपरेशन लगभग 55 दिन तक चला था और इसमें समुद्र में लगभग 23,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की गई थी। भारतीय नौसेना वर्ष 2006 में ऑपरेशन सुकून बेरूत और वर्ष 2015 में ऑपरेशन राहत यमन के तहत पूर्व में भी इसी तरह के निकासी अभियान चला चुकी है।